सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5. फिल इन द ब्लैंक विथ दिस साइंस. ये सिंबल आपको यूज़ करना है, ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर एंड इक्वल टू की. कंपेयर द नंबर्स. दिस इज 456. आपको साइन लगाना है 600. यहाँ टू नंबर दिए हैं, 456 एंड 600. हमने पीछे देखा है कि किस तरह से हमें कंपेयर करना है. पहले हमें 100 की प्लेस पर देखना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर. सी हेयर, ये 100 की, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की और ये 100 की. ओके, सो ये वंस की, ये टेंस की और ये 100 की. सो यहाँ 100 की प्लेस पर 4 है, यहाँ 6 है. विच नंबर इज़ ग्रेटर? 6 इज़ ग्रेटर. सो इसी से हमें समझ में आता है कि 600 इज़ ग्रेटर. सो वी कैन यूज़ हेयर दिस सिम्बॉल ग्रेटर. ग्रेटर की सिम्बॉल इस तरह से होती है, जो भी ग्रेटर होगा उस तरह से ये माउथ ओपन होगा. सी हेयर 777 770. सो हमें यहाँ पर कंपेयर करना होगा 100 की प्लेस को, या 100 की प्लेस पर 77 सेम डिजिट है तो हम टेंस की प्लेस पर देखेंगे, यहाँ भी 77 सेम डिजिट है. फिर हम वंस की प्लेस को देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 0 है. विच नंबर इज़ ग्रेटर? 7 इज़ ग्रेटर. सो हम ये सिंबल यहाँ करेंगे यूज़. नेक्स्ट 909 एंड 919. देन 100 की प्लेस देखेंगे, 99 सेम डिजिट तो हम टेंस की प्लेस पर चले जाएंगे. कौन सा डिजिट बड़ा है, 0 है या 1 है? 1 इज़ ग्रेटर. सो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, ग्रेटर है इसलिए. देन 598 589. अभी कंपेयर करने के लिए पहले 100 की प्लेस को देखते हैं हम. सेम डिजिट है 5 100 की प्लेस पर तो हम टेंस की प्लेस पर देखेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है. विच नंबर इज़ ग्रेटर? 9 इज़ ग्रेटर देन 8. सो वी कैन यूज़ हेयर द सिंबल ग्रेटर. ओके, इसी तरह आपको ये कंपेयर करते हुए ये टू कॉलम कंप्लीट करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द ग्रेटर नंबर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. अभी आपको टू बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, आपको इसी तरह से कंपेयर करना है, 100 की प्लेस देखकर, टेंस की, वंस की प्लेस देखकर. और जो ग्रेटर नंबर है उसको आपको क्या करना है, कलर करना है, लाइट कलर करना, ताकि उसमें से ये नंबर्स दिखे. सी हेयर 357 857. तो हमें 100 की प्लेस देखना होंगे सबसे पहले कि कौन सा बड़ा डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है. सो 8 इज़ ग्रेटर और हमें ग्रेटर ही पूछा है. सो यहाँ कलर करना है इसको, 857 को. सो यहाँ 66 है, यहाँ 301 है. और हमने पीछे देखा था कि हमेशा टू डिजिट लेस होता है, टू डिजिट नंबर लेस होता है देन थ्री डिजिट नंबर के. लेस मीन्स कम होता है, तो यहाँ पर 66 दिया है मीन्स कम है, और 301 मोर है, ज़्यादा है. और हमें मोर ही पूछा है, ज़्यादा ही पूछा है. सो हम 301 को कलर करेंगे. नेक्स्ट 990 और 908. सो हमें 100 की प्लेस देखना है, यहाँ सेम डिजिट है 99 तो हम टेंस की प्लेस देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है. 8 इज़ ग्रेटर, बड़ा है, तो हम इसको कलर करेंगे. अंडरस्टूड? सेम ये 3 एग्जांपल आपने खुद ने करना है. नेक्स्ट, कलर द स्मॉलर नंबर इन द फॉलोइंग ग्रुप. अभी यहाँ पर हमने ग्रेटर नंबर को कलर किया है, अभी हमको स्मॉलर नंबर को कलर करना है. स्मॉलर मीन्स छोटा नंबर. सी हियर 807 808. अभी हमें देखना है 100 की प्लेस, यहाँ सेम डिजिट है 100 की प्लेस पर. देन हम टेंस की प्लेस देखेंगे, टेंस की प्लेस पर भी सेम है. देन हम वंस की प्लेस देखेंगे, कहाँ पर छोटा डिजिट है,
सेवन छोटा है या एट छोटा है? सेवन छोटा है, सो यहाँ पर स्मॉलर को यहाँ कलर करेंगे। ओके द नेक्स्ट 656, 566। सो यहाँ देखना होगा 100 की प्लेस पर, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, छोटा कौन सा है? 5। सो हमको यहीं पर समझ में आ गया कि ये 566 छोटा है, सो हमको इसको कलर कर लेना है। द नेक्स्ट 568, 562। सो विच नंबर इज लेस या स्मॉल? यहाँ 100 की प्लेस पर 5 है, यहाँ 10s की प्लेस पर 6, सेम डिजिट। 1s की प्लेस देखना होगा, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। 2 छोटा है या 8 छोटा है? 2 है छोटा, सो हमको यहाँ कलर कर लेना है। ओके ये 3 एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। द नेक्स्ट कलर द नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 675। आपको उस नंबर को के बॉक्स को कलर करना है जो नंबर 675 से बड़ा है। ओके सी हियर 600, और 100 की प्लेस पर क्या है? 600 है, और यहाँ 100 की प्लेस पर 7 है। सो हमें फर्स्ट डिजिट से ही समझ में आ रहा है कि ये बड़ा नंबर है, और हमको यहाँ बड़ा नंबर ही कलर करो बोला है। तो 675 और ये 775, सो हम इसको कलर कर लेंगे। बड़ा पूछा है, अभी देखो यहाँ 100 के प्लेस पर 6 है और यहाँ 100 के प्लेस पर 5 है, मीन्स ये छोटा है, इसको हम नहीं करेंगे कलर। अभी यहाँ 675 है, ये 666 है, यहाँ 100 की प्लेस पर 6 है, सेम है, तो हम 10s की प्लेस पर देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, मीन्स यहाँ छोटा है, ये भी नहीं कलर कर सकते क्योंकि ये छोटा नंबर है। इससे देखेंगे 800, 800 बड़ा है, सो इसको भी कलर कर लेंगे। 678, ये 100 और 10s की प्लेस 67 सेम है, बट 1s की प्लेस पर यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, मीन्स ये बड़ा है, सो इसको हम कलर कर लेंगे, इसको इसको इसको। नेक्स्ट कलर द नंबर्स दैट आर लेसर देन 510। अभी आपको ऐसे नंबर्स को कलर करना है जो 510 से छोटे हैं। ओके यहाँ देखो 511 है और 510 से छोटे है, लेना है कलर करना है, और यहाँ 511 है तो ये नहीं होगा, ये 550 है, ये भी नहीं होगा, ये 500 है, मीन्स ये 500 के अंदर ही आता है, सो इसको हम कलर कर लेंगे। देन 505, इसको भी कलर कर लेंगे, छोटा है, और ये 55 ये छोटा है। ओके देन नेक्स्ट सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। आपको यहाँ पर नंबर्स के सेट दिए हैं, उसमें ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा नंबर को आपको क्या करना है? सर्कल करना है। तो आपको देखना होगा 100 की प्लेस, सबसे पहले 100 की प्लेस इसमें ये है, इसमें 100 की प्लेस ये है, इसमें 100 की प्लेस ये है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 है, सो ग्रेटेस्ट ये होगा। सबसे पहले यहाँ पर 100 की प्लेस देखेंगे, यहाँ 100 की प्लेस में 3 3 सेम है, तो आपको 10s की प्लेस देखना पड़ेगा, 5 है यहाँ, यहाँ 6 है, यहाँ 5, 6 क्या है? बड़ा है, सो इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 100 की प्लेस देखेंगे, यहाँ 7 है, 9 है, 9 है, 7 तो छोटा है, अभी 9 और 9 में से देखेंगे, 9 और 9 सेम है, तो 10s की प्लेस देखना पड़ेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 इज़ मोर, मतलब बड़ा है देन 0 0 के, तो इसको सर्कल। सेम इसी तरह आपको कंपैरिजन करके यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। नेक्स्ट
सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट। अभी हमको यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, सो हम कंपैरिजन करेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। 100 के प्लेस को देखेंगे, यहाँ 6 है, 7 है, 6 है, 7 तो बड़ा है, हमको स्मॉल पूछा है। अभी 6 में से देखते हैं, तो यहाँ 6 6 सेम है, यहाँ 0 0 टेंस की प्लेस पर सेम है, 7 और यहाँ 0, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ बड़ा ये है, छोटा ये है, और हमको छोटा करना है। सो सर्कल द 600। द नेक्स्ट 800, 8 5 8, यहाँ 8 8 बड़ा है, 5 स्मॉल है, सो सर्कल द 518। देन कंपेयर द नेक्स्ट नंबर्स, यहाँ 100 के प्लेस पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 2 छोटा है, 3 का तो बड़ा हो गया, 2 2 छोटा है, तो हम 2 2 में से देखेंगे, 2 2 100 की प्लेस पर सेम है, टेंस में देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, सो सर्कल द 235। सो ये आपको करना है। सो इसी तरह वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 5।